हाजिरन, क्या हाल चाल है? उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। ये मैंने चने की दाल उबालने के लिए रखी है तकरीबन एक पाव के करीब, और इसके साथ ही ये प्याज, मैंने दो प्याजें ली थी उनको मैंने ये इस तरह तड़का लगा दिया है। अब मैं इसके अंदर ये हल्दी आधी चमची, एक चमची मिर्चें, आधी चमची ये नमक और आधी एक चमची के करीब ज़ीरा, ये सब डाल रही हूँ मैं। ये देखिए, ये मैं मिट्टी की कढ़ाई में बना रही हूँ। ये देखिए, ये अदरक लहसुन है, ये तकरीबन ये छोटा चम्मच है, तो ये तकरीबन चार चम्मच मैंने डाल दिए होंगे। ये जो है ना, ये छः से सात मिनट होगा इसको हंडिया को भूनते हुए। ये मैंने छः से सात मिनट में हंडिया भूनी है। अब मैं इसके अंदर, ये मैंने कोई पाँच छः टमाटर काटे थे, छोटे छोटे से टमाटर थे, पाँच छः होंगे। ये वही टमाटर हैं जो मैं करली झील से वापसी में खरीदती हुई लाई थी। ये टमाटर डाले थे ना उसके बाद, ये मैंने तकरीबन दस मिनट भूना है इन टमाटरों को। अब मैं ये हरी मिर्चें डाल रही हूँ। ये देखो, ये हरी मिर्चें चली गई। ये देखो, ये हरी मिर्चें जो मैंने डाली हैं। अब पाँच मिनट और इन्हें, पाँच नहीं बस समझे दो मिनट और इन्हें भूनूंगी मैं। फिर ये इसके अंदर ज़रा मिर्चों का थोड़ा सा जायका आ जाएगा। हरी मिर्चों का जायका बहुत अच्छा होता है, बहुत मज़े की लगती हैं हरी मिर्चें चने की दाल में। ये देखें, ये चने की दाल है। ये देखें, ये इस तरह गल गई है। ये देखें गल गई है। ये मैं चने की दाल डाल रही हूँ इस मसाले में। मिट्टी की हंडिया में पकने में बहुत मज़ा आता है। इसको पकाओ ना मिट्टी की हंडिया में, बहुत ज़्यादा छोड़ती है। ये चने की दाल पका रही हूँ। ये देखें, ये चने की दाल ये तैयार है। अब इसमें मैं डालूँगी हरा धनिया। ये देखें, ये मैंने हरा धनिया छिड़क दिया। ये देखें, ये हरा धनिया चला गया इसमें, ये बिल्कुल तैयार है। ठीक है, ये आप सोचोगे हरा धनिया किस तरह का। ये मैंने फ्रीज़र में रख दिया था काट के, क्योंकि ज़रा यहाँ से दुकानें दूर हैं तो मैंने कहा काट के रख देती हूँ फ्रीज़र में। अब ये देखें, वैसे ही वापस ग्रीन ग्रीन हो गया। ये देखें, फुल तैयार हंडिया है और बहुत मज़े की बनी है, ज़ायका आ गया यार।